राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी कराने वाले राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से दो छात्रों और एक छात्रा की मौत हो गई है। मूसलाधार बारिश के चलते मुख्य रोड पर पानी भर गया और तल नीचे होने से ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित सेंटर के बेसमेंट में भी पानी भरने लगा। इस दौरान पढ़ाई कर रहे प्रतियोगी छात्र छात्राएं जान बचाने के लिए सीढ़ी के रास्ते भागने लगे। इस बीच कई छात्र छात्राएं वहां फंस गए। इनमें से तीन की मौके पर मौत हो गई। एक छात्रा की पहचान तेलंगाना की तानिया के रूप में हुई है। दो अन्य की भी पहचान हो गई है। इनमें नेविन डालविन और श्रेया यादव हैं। नेविन केरल का रहने वाला था। वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। करीब 8 महीने से वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने उनके परिवारों को सूचित कर दिया है। दरअसल शनिवार शाम को छात्र स्टडी सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में मौजूद थे। इसी दौरान जोरदार बारिश हुई। बारिश का पानी बेसमेंट में भरने लगा। रोजाना शाम 7 बजे कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बंद होती थी, लेकिन शनिवार शाम बारिश होने लगी तो सभी छात्र बाहर निकलने की जगह पढ़ाई में मशगूल हो गए। इस दौरान सड़क पर कई फीट पानी भर गया और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में नीचे आने वाली सीढ़ियों से अचानक पानी भरने लगा। पानी नीचे आता देखकर अफरा तफरी मच गई। एकाएक पानी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, करीब 3 मिनट में 12 फीट तक बेसमेंट में काफी पानी भर चुका था। इस दरमियान सभी छात्र सीढ़ियों के पास इकट्ठा होने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ऊपर चढ़ पाना भी बेहद मुश्किल था। किसी तरह कुछ छात्र बाहर निकल गए, लेकिन कई छात्र वहां फंस गए। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। शोर शराबे के बीच वहां कुछ लोगों ने रस्सियां डाली, जिसे पकड़कर कुछ छात्र बाहर निकल गए। इसके बावजूद 3 से 4 छात्र छात्राएं फंस गए। पानी बेसमेंट में भरकर छत से मिल चुका था। वहीं चश्मदीद छात्र नकुल ने बताया कि करीब 35 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। अचानक बारिश के बाद पानी आया तो सब घबरा गए। शुरुआत में धीरे धीरे पानी आया, लेकिन इसके बाद फौरन सीढ़ियों से पानी का तेज बहाव आने लगा। देखते ही देखते पूरा बेसमेंट फुल हो गया। कोचिंग सेंटर के बाहर अक्सर बारिश के बाद पानी भर जाता है। पिछले सप्ताह भी ऐसा ही हुआ था। बारिश के बाद मुख्य सड़क पर पानी भर गया था। 2 दिन कोचिंग सेंटर भी बंद रहा था। कारें पानी में तैर रही थी, वो तो किसी तरह निकल आया, लेकिन 3 से 4 छात्राएं छात्र वहां फंस गए। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार शनिवार शाम करीब 6:30 बजे हादसे के वक्त बेसमेंट में करीब 35 छात्र छात्राएं थे। सेंटर प्रबंधन ने शुरुआत में खुद की बचाव के प्रयास किए, मगर पानी तेज से बहने लगा तो पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। करीब 7 बजे बचाव दल पहुंच गया। अंधेरा होने के चलते बचाव कार्य में खासी परेशानी हुई। हालात बिगड़ने पर एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई। पंप के सहारे पानी निकालने के साथ एनडीआरएफ के गोताखोरों ने तलाश शुरू की तो 3 शव मिले। देर रात तक दमकल की 7 गाड़ियां पानी निकालने में लगी हुई थी। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई है। छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।